हेलो एवरीवन, माय नेम इज नमन गोयल एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर 12 ऑफ क्लास 9th हीरोंस फार्मूला। देखो, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि हीरोंस फार्मूला क्या होता है, ठीक है, क्या काम में आता है, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ रही थी, ठीक है, ये हमने आपको बता दिया है। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज हीरोंस फार्मूला। कि भैया इतनी देर से बात कर रहे हो हीरोंस फार्मूला हीरोंस फार्मूला हीरोंस फार्मूला, बताओ तो सही कि है क्या। आज अपन देखेंगे उसको, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे बाय हीरोंस फार्मूला। देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने से पहले, हीरोंस फॉर्मूला पढ़ने से पहले मैं आपको दो तीन बातें बता देता हूं, एक बेसिक ट्राइंगल्स के बारे में ना, कैसे अपन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये एक ट्राइंगल है मेरे पास ए बी सी। तो देखो, जैसे आपको ए बी सी एक ट्राइंगल दिया हुआ है, तो हमेशा ये बात का ध्यान रखना कि ए के सामने वाली साइड को हम हमेशा स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए के सामने, ए के जो अपोजिट है उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल ए से, राइट। तो दिस इज स्मॉल ए, लेंथ, लेंथ की बात कर रहे हैं ना अपन, लेंथ ऑफ दिस साइड इज स्मॉल ए विच इज अपोजिट टू एंगल ए। सिमिलरली बी के जो जस्ट सामने है उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल बी से, ऐसा ऐसा कुछ। सी के जो सामने वाली साइड है उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल सी से, ठीक है क्या, ऐसे अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, अगर मैं आपसे इसका पेरीमीटर पूछूं, क्या पूछूं, पेरीमीटर, तो कितने बच्चे ये बोल सकते हैं कि सर ए प्लस बी प्लस सी इज द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल। पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री का सम, बाउंड्री का लेंथ। तो बाउंड्री क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो वॉट इट इज, ए बी इज वॉट, सी ए प्लस बी, आंसर है कि नहीं है, तो आंसर क्या जाएगा इसका, ए प्लस बी प्लस सी। देखो पेरीमीटर क्या, जस्ट पेरीमीटर हो गया ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सेमी पेरीमीटर, क्या बोल रहा, बात कर रहे हैं अपन सेमी पेरीमीटर। जैसा कि आप सबको पता है कि सेमी का मतलब होता है आधा, सेमी सर्कल, एक सर्कल का हाफ पार्ट इज सेमी सर्कल, ठीक है क्या। तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाए, होने वाला होगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू, क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू, ठीक है क्या। अब इस चीज को, किस चीज को, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू को हम क्या लिखते हैं, s। तो s का वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू, ये है हमारे लिए s, ठीक है क्या। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें पढ़नी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए ट्राइंगल के बारे में। अब फॉर्मूला क्या है, फिर वो बात नहीं बता रहे सर आप, फॉर्मूला तो बताओ, तो बताते हैं फॉर्मूला भी, देखो बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, ठीक है क्या। देखो फॉर्मूला देखो, अब हमें ये समझ में आ गया है क्या क्या हमने पढ़ लिया अभी तक, कि एक ट्राइंगल में ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी से, सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से, ठीक है क्या। और सेमी पेरीमीटर क्या होता है, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका वैल्यू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू, ठीक है क्या। अच्छा, अब देखो ध्यान से, हीरोंस फॉर्मूला क्या है, अगेन ये एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, बी के सामने वाली साइड बी, ए के सामने वाली साइड ए, सी के सामने वाली साइड सी, ठीक है क्या। अब फॉर्मूला देखो, एरिया अंडर द रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस सी, ये होता है फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोंस फॉर्मूला इज व्हाट, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अभी अभी हमने देखा है कि वॉट इज एस, क्या होता है एस, सेमी पेरीमीटर, अरे हाँ या ना। तो एस इज वॉट, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू, ठीक है क्या। तो यही एक फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले से एरिया, आपके पास कैसा भी ट्राइंगल हो, आइदर इट इज आइसोसेलेस, कैसा भी राइट एंगल ट्राइंगल हो, आइसोसेलेस हो, है ना, इक्विलेटरल हो, स्केलन हो, कैसा भी ट्राइंगल हो, आप सबका एरिया निकाल सकते हो। बस आपको क्या चाहिए, उन तीनों साइड के बारे में पता होना चाहिए, उसकी तीनों साइड के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज दी ओनली फॉर्मूला, और ये बात ध्यान में रखें कि एस क्या है यहां पे, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू, कर लेंगे
कर लेंगे सर, कर लेंगे। अब क्वेश्चन करेंगे तो पता लगेगा ना कि कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। तो दो एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर हमें समझ में आ जाएगा कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन लिखो, ये आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, दिस इज अ ट्राइंगल एबीसी, है ना। अब आपको पता होनी चाहिए कि अगर मेरे को हीरोंस फॉर्मूला यूज करना है तो मेरे को तीनों साइड पता होनी चाहिए। तो ये मैंने फॉर एग्जाम्पल 32 ले लिया, ये 40 ले लिया और ये 24 ले लिया, ठीक है, ऐसा कुछ ले लिया, कुछ भी ले लिया। पर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी आनी चाहिए कि भाई दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से क्या होगा, बड़ा होगा। अब इसका एरिया निकालना है, तो पहले इसका एस निकालते, देखो फॉर्मूला क्या है, एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया का फॉर्मूला है। अच्छा, ये ए के बराबर होगा, बी के सामने वाली साइड बी से बराबर होगी, सी के सामने वाली साइड सी के बराबर होगी। ये बात तो समझ में आ गई आपको। एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इज द फॉर्मूला फॉर एरिया, ठीक है क्या। तो एस का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और एस क्या था, सेमी पेरीमीटर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो कितना आ जाएगा ये, 32 प्लस 24 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 56 प्लस 40, 96 बाई 2 आ गया, मतलब 48 आ गया कुल मिला के। द वैल्यू ऑफ एस इज व्हाट, 48, ठीक है क्या। तो इसमें रख दिया आप इसमें, तो ये आ गया देखो अंडर द रूट ऑफ, सुनना ध्यान से ना, ध्यान से सुनना, 48 मल्टीप्लाइड 48 माइनस ए का वैल्यू 40, 48 माइनस बी का वैल्यू कितना है 24, 48 माइनस सी का वैल्यू इज 32, ठीक है क्या। ये सारी कहानी किसमें है, अंडर रूट में, ना रूट के अंदर है। देखो ध्यान से, 48 48 माइनस 40 इज 8 मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 16, सही है, सही है। तो इसको सॉल्व करना आता है आपको, 8th क्लास में बढ़िया अपन ने स्क्वायर रूट सीखा है, ठीक है क्या। तो इसको कर लोगे आप, कर लोगे ना, फॉर श्योर कर लोगे आप, इसका आंसर आ जाएगा 384 मीटर स्क्वायर, 384 यूनिट स्क्वायर, 384 स्क्वायर यूनिट, बेसिकली मिटा देते हैं ना इसको, स्क्वायर यूनिट आ जाएगा ना आंसर इसका, 384 स्क्वायर यूनिट। कर लोगे क्या, कर लोगे। एक सवाल और कर लेते हैं, नेक्स्ट। देखो मैथ्स में जितने सवाल आप करोगे उतना ही अपने आप को बेहतर बना सकते हो आप, है ना, इस बात का ध्यान रखना, हमेशा लाइफ में बहुत काम आएगी ये। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच, टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर, ठीक है क्या। ये हमें दिया हुआ है एंड पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। अब सुनना ध्यान से ना, सुनना, हमें यहां पे क्या है, हमें दो साइड पता है एक ट्रायंगल की, उसका पेरीमीटर पता है। अब हमें एक चीज पता है कि अगर हमें किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो हमें तीन चीज पता होनी चाहिए, तीनों साइड पता होनी चाहिए बस, और कुछ भी नहीं चाहिए हमें उससे, बस हमें भैया तीनों साइड मिल जाए। अब इसने हमें एक साइड ये दे दी, एक साइड ये दे दी, और इसका क्या दे दिया है, पेरीमीटर दे दिया है, बट हमें तो तीनों साइड चाहिए थी, ठीक है क्या। तो क्या मैं पेरीमीटर अगर मेरे को पता है और दो साइड मेरे को पता है तो मैं निकाल सकता हूं, कैसे, देखो ये ट्राइंगल रहा होगा एबीसी, है ना, ये ए बराबर हमने मान लिया 8 दिया हुआ है, बी बराबर 11 दिया हुआ है, ये सी मान लिया। अब आपको पेरीमीटर पता है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी पता है, सो ए प्लस बी प्लस सी कितना पता है, 32, सो ए की जगह आ जाएगा 8 प्लस 11 प्लस सी बराबर 32, 19, 32 माइनस 19 कितना आ जाएगा ये, 11, 12, 13 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा ये, ठीक है क्या, 13 आ जाएगा। अब एरिया क्या होगा, देखो एस, एस निकालो पहले, एस क्या है, पेरीमीटर का आधा 16 आ जाएगा, तो एरिया बराबर
फॉर्मूला क्या है, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है क्या? तो फॉर्मूला लगा दिया इसमें ना, 16 माइनस ए कितना था हमारे पास, 16 माइनस ए एक आ गया ये रहा 8, 16 माइनस बी कितना है 11, 16 माइनस सी कितना आया है 13, तो ये कितना आ जाएगा देखते हैं एक बार, 16 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 3, ये आ गया क्या, ठीक है चाहिए। तो देखो इसमें से 8 बाहर आ जाएगा, 2 रह जाएगा इन दोनों में से, तो 8√30 आ जाएगा इसका आंसर, 8√30 स्क्वायर यूनिट, ठीक है क्या, कर लेंगे। देखो अब है ना, आज हमने क्या सीखा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब देखो इसी कंसेप्ट का यूज करके अपन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी निकाल सकते हैं, और वो कैसे निकाल सकते हैं वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगले लेक्चर में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स बाय हीरोंस फार्मूला, ठीक है क्या? तो जब तक के लिए पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।